पर्यटन विभाग उत्तराखंड और साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में चतुर्थ द अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमबीटी चैलेंज प्रतियोगिता के अंतर्गत रैली को अल्मोड़ा से फ्लैग ऑफ कर कौसानी के लिए रवाना किया गया। राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतियोगियों के अलावा जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर और थाईलैंड के 87 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता में 13 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और 9 अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतिभागियों के अलावा देश के 62 पुरुष और 3 महिला प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। अल्मोड़ा से शुरू होकर कौसानी में फिनिश पॉइंट पर ईरान के परवीज मर्दीना ने लगातार दूसरे दिन भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा। उन्होंने 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 48 मिनट और 13 सेकंड में तय करते हुए सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पार किया। वहीं महिला वर्ग में सिंगापुर की फेंग ही लिन और तीसरे नंबर पर नेपाल की लक्ष्मी राइडर रही। एमटीपी रैली 2019 की जो चल रही है, इसमें बाहर के लोग भी काफ़ी लोग हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और आपकी जर्मनी से एक लेडीज हैं और ईरान के 2 लोग हैं। तो अभी जो इन्होंने ये प्रशासन ने व्यवस्था की है, रैली इसे होनी चाहिए कि हम एक अभी तो ये रैली अभी सिर्फ ये है कि प्रतियोगिता पे निर्भर रह गई है, तो इसलिए इनको आगे जो भविष्य में प्रशासन को जो रैली का मकसद होना चाहिए पर्यावरण के ऊपर भी होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जो ये 2 दिन की रेस देखी ना, तो बहुत सुंदर लग रहा है और इसमें कुछ हिस्ट्री, कल्चर सब शो मिलाकर हमें एवरी टाइम बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे अच्छी अच्छी लड़कियां, एशिया के टॉप राइडर्स जो है वो सब आए हुए हैं, तो लड़कियों के रेस के लिए स्पेशली बहुत ही बड़ा रेस है ये। आज का विनर है सिंगापुर राइडर सलीना एंड सेकेंड राइडर फ्रॉम इंडोनेशिया एंड थर्ड में मैं हूँ नेपाल से। ये जो नैनीताल, अल्मोड़ा एंड कौसानी ये सब है ना, कुमाऊँ, ये सब अपना ही नेपाल के जैसे लैंडस्केप दिख रहा है, तो बहुत अच्छा है। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।